Hey friends, welcome again to a new video. तो आज हम लेकर आए हैं दो बिगेस्ट मील बॉक्सेस। तो ये मील बॉक्सेस के अंदर से क्या क्या निकलता है और भाई वो टेस्ट में कैसा होता है और भाई आज हमारे साथ थोड़ा बहुत धोखा भी हो गया है तो वो सारी चीजें क्या है वो जानने के लिए आज की चैलेंज पूरी देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक जरूर करना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चैलेंज शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। तो जैसे कि आपको बताया कि आज हमने दो बिगेस्ट मील बॉक्स ऑर्डर किए हैं तो उसमें से सबसे पहला मील बॉक्स है कहां से? बारबेक्यू नेशन। तो भाई बारबेक्यू नेशन से हमने मील बॉक्स मंगवाया है, सॉरी मील बॉक्स नहीं, मील बॉक्स। और इसकी कीमत क्या है पता है? क्या है? 969। हाँ तो भाई 1000 से थोड़ा सस्ता है। चल हिंदी में बोल के दिखा, 969 को क्या बोलते हैं? 900 तो गुजराती होता है। 900 भाई पता नहीं। अरे भाई आप कमेंट में बताओ कि 69 को भाई क्या बोलते हैं हिंदी में? उन्ना से मेरे को तो पता है लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि भाई मैं बोलूंगा ना तो ये बोलेगा मेरे को पता था लेकिन भूल गया। अबे नहीं चल मुझे नहीं पता है, मैं एक्सेप्ट कर लिया। चल अभी तू बता सबको। उसको बोलते उनहत्तर बोलते हैं ना। हाँ देखो उनहत्तर भाई तूने मम्मी को पूछा? अरे मम्मी बोली किधर है, मम्मी ने तो हाँ बोला सिर्फ, हम ही भरी है। तो भाई ये 969 का है और इसमें क्या क्या है वो तो बाद में बताएंगे लेकिन उसके साथ में विश्व के पास क्या है वो देख लेते हैं। लेकिन ये इसका नाम क्या है तेरा बॉक्स का? इसका नाम है बारबेक्यू नेशन, रुक जा मेरे को याद है, बारबेक्यू इन अ बॉक्स वेज प्रीमियम। भाई बड़ी शायरी जैसा नाम है इसका। तो ये बारबेक्यू नेशन का हो गया और मेरे पास, रुक जा उसके लिए तेरे को ये लगेगा, आज जो धोखा हुआ है ना वो आपको दिखाते हैं। भाई धोखा तो ये रहा मेरा बिगेस्ट मिल बॉक्स। ये जो हमने पहले भाई कहाँ से मंगवाया वो बता देते हैं। भाई ये मंगवाया हुक्को इटरी। हुक्को मतलब जिसका नाम पहले हैमर हुआ करता था, तो भाई वहां से मैंने मंगवाया और इसका नाम है शाही इंडियन बॉक्स। और प्राइस बता पहले। इसकी प्राइस है 2599, मतलब ऑलमोस्ट 2600 रुपए। 2600 रुपए का ये बॉक्स है। बॉक्स किधर है, थैली है ये? भाई यही तो धोखा हुआ है हमारे साथ। भाई उनको है ना दोपहर में कॉल करके पूछा कि भाई आप ये जो देते हो वो बॉक्स में देते हो, कैसे करते हो आप? तो बोला कि हाँ सर हम बॉक्स में देते हैं। फिर शाम को भी पूछा, शाम को ऑर्डर करने से पहले एक बार पूछा हमें ना भाई कंफर्म करते हैं क्योंकि हमको वीडियो शूट करनी रहती है, आपके सामने सारी चीजें ऐसे अच्छी अच्छी तरह से दिखानी होती है, थोड़ा प्रेजेंटेशन चाहिए ना, हमको थंबनेल क्लिक करना होता है भाई वीडियो के लिए, तो हम ये सारी चीजें ना एक दो बार कंफर्म कर लेते हैं वीडियो शूट करने से पहले। तो भाई उन्होंने दो बार कंफर्म बोला कि हाँ भाई हम बॉक्स में भेजेंगे, हमारे पास बॉक्स है। तब जाकर हमने 2600 रुपए की खाने की चीज उनके पास से मंगवाई और घर आई ये थैली। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा दे दिया तो चला लिया, उनको कॉल किया बाकायदा बात की तो भाई बोलते हैं कि हमारे पास बॉक्स था ही नहीं और है ही नहीं स्टॉक में। तो मैंने बोला फिर भेजा क्यों, वो ऑर्डर एक्सेप्ट भी क्यों किया भाई? Zomato हाँ। तो आता है कि भाई ये रेस्टोरेंट ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया, अगर आपके पास नहीं है ये सारी चीजें तो फिर आप कस्टमर को कॉल भी कर सकते हो सामने से कि सर ये नहीं है, हम जैसे बेचने के लिए ऐसे बोल रहे हैं जो दिखा रहे वो चीज हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो सर चलेगा, आपको ऐसे पूछ लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने पूछा भी नहीं और हमने ऑलरेडी दो बार कंफर्म किया था, उसमें भी उन्होंने झूठ बोला। और ये कौन सी ब्रांच थी अपनी? ये सायजीगंज, सायजीगंज वडोदरा में जो हुक्को की ब्रांच है उनके साथ ऐसा हुआ है। भाई हमने फिर कॉल करके भी बोला तो भाई कुछ मतलब कुछ वो जिम्मेदारी वाला कुछ आंसर ही नहीं दिया, ऐसा भी कुछ नहीं, सिर्फ बोल दिया सर सॉरी बॉक्स नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई ये थोड़ा हमारे साथ धोखा हो गया है। तो भाई आप समझो कि एक छोटी इतनी चीज में भी ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो भाई कुछ बड़ा इश्यू आ जाए, कुछ भाई कल जाके कुछ भी हो सकता है, अपने सर पे नहीं लेंगे ये लोग। हाँ तो भाई ऐसे गलत मामला है भाई, एक इतना गंदा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ हुआ है और दूसरा एक्सपीरियंस हमारा देखो अजय इसके साथ। भाई कोई लेना देना नहीं है उनका, वैसे भी काम चल रहा है, हम वीडियो बनाए या ना बनाए उनको एज सच कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई उनका जो काम है ना और उनका जो प्रोडक्ट है ना वो ऐसा है कि भाई वो हर बंदा अगर जान जाएगा उसके बारे में तो खाएगा ही खाएगा। उन लोगों का हमने फूड रिव्यू किया था और भाई हमको सही में अच्छा लगा था। तो आप मानोगे नहीं अजय इसके जो ऑनर है, ऐसा नहीं कि उसका कोई गुजरात का हेड या वडोदरा का हेड या कोई फ्रेंचाइजी का ऑनर, ऐसा नहीं, जो ब्रांड है उनके खुद के ऑनर ने भाई हमको सामने से बुलाया
और भाई हमको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स भी दी और हमारे साथ बहुत अच्छी बात की और उनका पर्सनल नंबर भी शेयर किया और अभी हम उनके साथ पर्सनल टच में भी है और उन्होंने इनवाइट किया कि आप आओ हमारी फैक्ट्री में आओ, हम कैसे सब चीजें बनाते हैं, कैसे कैसे सब वो सारा कुछ आप देखो देखो हमारे साथ डिनर करो लंच करो, मतलब इतना फैमिली वाला बिहेवियर किया। और भाई क्या है ये तो इनको तो कॉल करके भी बताया है ना हाँ। कि भाई हम ऐसी वीडियो शूट कर रहे हैं इसके लिए मंगवा रहे हैं, फिर भी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर मैंने भाई बोल दिया कि हम तो वीडियो में बताएंगे कि आपने धोखा किया है। भाई ये धोखा तो हुआ ही है भाई, ये हमको बोलना इसलिए था देखो हाँ। ये थैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर की चीज भाई अच्छी भी हो सकती है, उसका हम कुछ भी नहीं बोल रहे, वो तो खाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये एक छोटी चीज के वजह से ना हम अच्छा थंबनेल नहीं ले पाए या फिर आपके साथ जो अच्छे से प्रेजेंट करना होता है ना वो सब हम नहीं कर पाए। वही और भाई मेन्यू में वही था कि शाही इंडियन बॉक्स और बॉक्स भाई एकदम वो फोटो में भी बॉक्स वो था इसका पिक्चर हाँ। चलो वो पिक्चर में तो नीचे लिख देते हैं कि भाई ये रेफरेंस के लिए होता है, लेकिन कॉल करके जब कंफर्म करते हैं, जब बंदा आपको 2600 रुपए देता है तो भाई सामने आप ये थैली तो नहीं दे सकते। वही भाई ये और तो नाम में शाही पनीर है, शाही पनीर सॉरी शाही इंडियन बॉक्स, शाही इंडियन तो शाही लोग तो ऐसे थैली में तो भाई खाना लेते नहीं है। तो भाई सबसे पहले हम देखो पैकिंग की बात करें ना तो इसके लिए भाई थम्स डाउन पैकिंग और उनका बिहेवियर भी भाई अच्छा नहीं था तो वो भाई थम्स डाउन है इसके लिए। लेकिन ये देखो इसके नाम में प्रीमियम है और भाई ये सच में बॉक्स अच्छी तरीके से दिया है तो इसको प्रीमियम भाई बार बार से तो बोल ही सकते हैं। वही अंदर से कितना प्रीमियम है वो तो खाएंगे तब पता चलेगा भाई। लेकिन सबसे पहले हम इसका वेट करते हैं, तो इसका वेट करते हैं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, भरोसा है हम पर तो हम ऐसे ही बता देते हैं। ऐसा रख ऐसा, अरे नहीं दिखेगा आगे, अरे करना सब कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं भाई, उंगली नहीं उठनी चाहिए हम पर भाई। ये ऑलमोस्ट 3 kg 12-13 g हो रहा है हाँ, ये थोड़ा झुक रहा है, रुक जा एक मिनट ऐसे रखते हैं, अभी देख कुछ चेंज हुआ, 3 kg 14 g ओके 2 g का फर्क पड़ा तो भाई ऑलमोस्ट 3 kg का है, आप रफली ऐसे आइडिया लगा लो हाँ। 3 kg का खाना भेजा है 950 रुपये में भाई, 4 kg 700 g और ऊपर 25 4725, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 kg। तो वैसे देखा जाए तो ये जितना है उससे 2.5 गुना ये होना चाहिए हाँ। मतलब ये 3 kg है तो 3 kg का 2.5 गुना कितना होता है वो भी समझ में नहीं आएगा कितना होता भाई है मैथ्स में जीरो। अरे 3 दुना क्या, तो तू बोलना तुझे पता है तो 3 और 3 6 और उसका आधा कितना हुआ 1500 g, तो कितना हुआ 7 kg 500 g हो गया ना, तो उतना होना चाहिए ऐसा तू बोल रहा है। वही तो, और ये दिया कितना है भाई, ये 4 kg 700 g हाँ। तो आप समझो कि भाई ये प्राइस में ज्यादा है, महंगा है मतलब ये, लेकिन सस्ता प्रीमियम दिख रहा है और महंगा दिख रहा है भाई, घटिया है ये सब, घटिया खाने को घटिया नहीं बोलते। अरे नहीं पैकिंग, पैकिंग को मैं बोल रहा हूँ, पैकिंग को घटिया बोल रहा हूँ भाई, घटिया पैकिंग, घटिया बिहेवियर और पता नहीं अभी खाने में कितना मजा आएगा। वही लेकिन फिर भी हम देखो हमारा काम है आपको सच बात बताना, तो हम बिल्कुल बायस नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने पैकिंग अच्छा दे दिया तो हम इनकी तारीफ करेंगे, इन्होंने ये काम किया है तो भाई इनकी बुराई करेंगे, ऐसा अगर नहीं भाई टेस्ट में ये अगर अच्छा होगा तो तारीफ कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको आपके साथ सच ही बाया करना है, तो भाई जो सच है वो दिखाएंगे। अभी हम एक एक करके सारी चीजें निकालते हैं, ये हुको के मिल बॉक्स में से मिल थैली मिल थैली तो भाई अब देखते हैं कि इसके अंदर टोटल कितनी आइटम है, देखो क्या क्या है वो तो आपको हम बताएंगे, उसका पूरा स्क्रीनशॉट ही शेयर कर देंगे, लेकिन अभी कितने पैकेजेस दिए वो हम चेक करते हैं। एक, ओ ये तो बहुत हल्का है, पापड़ वापड़ होगा शायद, ओ माय गॉड भाई ये हैवी है, ओ ये दूसरा इसमें भाई दम है, ये तीसरा, ओ इसको काउंट हाँ करना चाहिए तू काउंट कर, ओए सिरके वाली प्याज वाह 6, अरे सॉरी 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 6 चटनी भाई, ये अच्छा भाई ज्यादा है क्वांटिटी भाई, मेरे को ये सिरके वाली प्याज बहुत अच्छी लगती फिर है। ये कुछ है रायता हाँ रायता है और ये 8वीं चीज नौवीं चीज मेरी फेवरेट चीज है 10वीं 11 भाई साहब, और यहाँ पर सारा भाई तेल निकल गया इसका हाँ। निकला था ना तेल हाँ। 12 चीज हुई 12 और 13 ये 13 इसका तेल निकला था सब तेल बटर जो भी है। तो ये होको इटरी के 2600 रुपए के मिल बॉक्स में से भाई टोटल 13 आइटम निकले। अभी देखते हैं कि भाई हमारा जो 969 वाला पार्सल है किधर का, बारबेक्यू नेशन का, उधर से कितना माल निकलता है। पैकिंग में तो ऑलरेडी बता दिया कि ये लोग का भाई काम अच्छा है, हमको अच्छा लगा, और ये सील विल भी मारा है उसके ऊपर,
तो ये भी एक सही चीज है। और बाय द वे ये मील बॉक्स का एक्सपीरियंस है ना भाई, मेरा तो पहला है। तूने कभी मंगवाया? नहीं नहीं भाई, आज तक मैंने नहीं ऑर्डर किया। मतलब वो क्या बोलते हैं अपने मैकडॉनल्ड्स के, बर्गर किंग के, वो सबके मील हम ऑर्डर करते हैं, लेकिन बॉक्स नहीं करते कभी। ओ माय गुडनेस, इनका पैकिंग खतरनाक है भाई। आपको पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा झुकाने का ट्राई करूंगा लेकिन ज्यादा झुकाऊंगा तो सब गिर जाएगा। ये देखिए भाई, दिख रहा है ना? हाँ, प्रॉपर पैकिंग है। ये देखो, एक डिब्बी के अलग अलग है ना होल किए हुए। चल, एक दो तीन, ये छोटी डिब्बी, चार पांच। ये देखिए भाई, ये ना इसके ऊपर ऐसा था और इसके अंदर सब फंसा के रखा था। तो भाई सही दिखने में तो सही दिख रहा है। ये ले, छः, सात, वाह भाई क्या सही से पूरा अंदर सेटअप करके दिया है। आठ, नौ, भाई साहब और ये दस, क्या सही चीज है भाई। ग्यारह, बारह, तेरह, अरे तेरह हो गया उसका? हाँ हो गया भाई। अरे इसमें तो और भी बहुत कुछ है, अबे तू निकाल चल। मैं तेरह चीजें हो गई टोटल। चौदह, ये है पंद्रह, खत्म बस। अभी है, अरे कितना है और? सोलह, तू गिनता जा। ये सत्रह, अरे ये अठारह, और अभी बस खत्म खाली। अच्छा तो भाई 18 चीजें इसके अंदर है। और भाई ये चम्मच वम्मच भी दिए, टिश्यू पेपर है, मतलब लकड़ी की चम्मच भी और फोक भी है। तो ये एक चीज अच्छी है भाई, इन लोगों ने शायद नहीं दिया है। नहीं भाई नहीं है इन लोगों, देखो, ने देखो क्वांटिटी में भाई बकायदा ये ज्यादा है। और भाई प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी तो ज्यादा होगी होगी। लेकिन भाई इसके हिसाब से अगर देखा जाए ना तो उसकी क्वांटिटी कम है, क्योंकि जो 1000 रुपए में जितना मिलता है उसके सामने भाई 2600 में जितना मिलना चाहिए वो कम है। अगर यहाँ से हम 2600 का मंगवाएंगे ना माल तो इससे तो बहुत ज्यादा आएगा। वही तो अब बारी है स्टार्टर्स को टेस्ट करने की। तो भाई मेरे पास है ये होक्को का फर्स्ट स्टार्टर, भाई हरा भरा कबाब। ऐसे ऐसे इसके अंदर एक दो तीन चार पांच छह पीस है, छह पीस है। और भाई इसके साथ दी है ये हरी चटनी, तो उसको निकाल पहले, टेस्ट कैसे करेंगे हरी चटनी को। अब बारी है अपना स्टार्टर निकालने की। तो भाई अपने पास भी छह वेज कबाब है। अच्छा यस, ये रहे। अबे ये क्या है? ऐसे अबे कितने छोटे है भाई ये तो। और भाई हमारी चटनी ग्रीन ये रही, ये देखो भाई। सबसे पहले हम इसका आधा आधा करते हैं ना। हाँ, जो बचेगा वो फिर आज डिनर हम का हमारे घर पे यही है। तो भाई ये रहा हरा भरा कबाब। अच्छा काजू गिर गया। अच्छा भी अच्छा है और चटनी भी अच्छी है। तो अभी बारी है बारबेक्यू नेशन के कबाब के बच्चे की। और वैसे ये चीज भी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये वेज कबाब है और ये हरा भरा कबाब है। बुरा तो ये भी नहीं है। ये वाला है ना थोड़ा खाते वक्त ड्राई हो जाता है। हाँ, और ये उतना ड्राई नहीं होता। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये होको वाला बुरा है, वो भी अच्छा है। और काजू वाजू भी डाला है उसके ऊपर एक एक करके। ड्राई लगता है ना इसके चक्कर में, मेरे को तो भाई ये अच्छा लगा। मुझे भी ये वाला अच्छा लगा भाई। ओ भाई, तो पहला स्टार्टर हमारा जीत गया बारबेक्यू नेशन। अभी अब दूसरा निकाल। ये रहा हमारा दूसरा स्टार्टर। थैली में कौन सा स्टार्टर होता है भाई? थैली में क्या दिया है पता है? अबे इसको स्टार्टर थोड़ी बोल दी, ये चीटिंग है, स्टार्टर नहीं है भाई। भाई छह पापड़ है। अरे पापड़ स्टार्टर थोड़ी होता है। अरे ले चल अभी भाई टेस्ट कर। अरे लेकिन ये स्टार्टर नहीं है। द स्टार्टर खत्म। हाँ तो भाई एक ही स्टार्टर था। अरे 2600 रुपए में सिर्फ ये छह कबाब के पीस। अभी ये पापड़ दिए ना छह। ले अबे इसको क्या टेस्ट करने का। सही है, अच्छा है, वेरी गुड। अभी मेरे पास कौन कौन से स्टार्टर है ना वो दिखाता हूँ। इसको तो भाई एक मिला था और उसके साथ में बस पापड़ मिला था। तो अगर पापड़ को इंक्लूड भी कर लेना स्टार्टर में तो भी भाई दो ही हुआ सिर्फ। वही भाई, तो अभी स्टार्टर तो है नहीं मेरे पास। ये देख दूसरा स्टार्टर, रुक जा, तीसरा। अबे भाई कितने हैं टोटल? चौथा, पांचवा, आहा, और छठा। क्या बात है भाई। और एक मजेदार दूसरी चीज, ये सिर्फ ग्रीन चटनी दी है ना विश्व को 2600 रुपए में। भाई अपना देखो 969 में एक और एक डीप दिया है। कौन वाला है भाई? ये बारबेक्यू वाला सब चीज है। पहले ऐसे ही टेस्ट करेंगे।
वैसे गरम ही अच्छी लगती है ना वही। इसमें ना कॉर्न है, कैप्सिकम है, बेल पेपर है और फिर टमाटर है। कितनी चीजें भाई हमको दी है, लेकिन अच्छा है भाई। भाई पनीर टिक्का भाई ये मेन चीज है। ओए ओए वाह भाई, ये कितना वैरायटी है। ये पलक कम दिया है उससे क्वांटिटी में, लेकिन 6-6 है ना तो उसका क्वांटिटी वैसे भी उससे ज्यादा ही हो जाएगा। वही, और पनीर की क्वालिटी भी अच्छी है भाई। अच्छा है भाई। तो ये था मेरा तीसरा। हाँ तीसरा, सॉरी तीसरा। अबे ये क्या है, समोसे? समोसे। अबे समोसे हाथ से खाने होते हैं भाई। अरे ये हाथ में है तो एक देख, 1, 2, 3 छह समोसे दिए भाई। छह चीज, अरे चीज वाला है कुछ ये। हाँ चीज ट्रायंगल, मतलब वही हुआ चीज समोसा भाई। लेकिन टेस्ट में अच्छा है, मुझे तो ये अच्छा लगा भाई, सही में टेस्टी है। हम्म, और अब मेरी बारी है कौन से नंबर का, 5वें नंबर के स्टार्टर की। भाई मजा आ रहा है हमको तो। ये है पाइनएप्पल, बारबेक्यू किया हुआ पाइनएप्पल होता है ना, वही है ये। क्या लिखा है, हाँ ओ ये तो डिफिकल्ट है, चुरास्को पाइनएप्पल। ये चुरास्को होता है, कुरास्को होता है, वैसे तो CHURASCO चुरास्को ही बोला जाता है। भाई बहुत मस्त है, सही है भाई। बारी है लास्ट स्टार्टर की। ओए ये क्या है यार, ये वेज रोल है। हाँ इतना सारा दिया ना, मेरे को देखना पड़ता है ये। हाँ वेज रोल्स। हाँ ये मस्त दिख रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छी है। भाई बहुत अच्छा है, ये लोग इतना सारा दे रहे हैं ना, सही में अच्छा है। ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। वही, अभी तक तो अच्छा लगा, अभी आगे कैसा कैसा हो रहा है भाई। मेन कोर्स में क्या है वो देखना जरूरी है। तो अब बारी है मेन कोर्स की। तो भाई अब हम लेते हैं सब्जी और रोटी, इसका नाम है भाई पनीर ग्रेवी। अभी ग्रेवी बोलो या फिर सब्जी, पता नहीं। ये ग्रेवी मतलब किसी में डालने के लिए, बिरयानी बिरयानी नहीं भाई, मुझे तो ये थीक लग रही है भाई। इसके अंदर चम्मच डाल के दिखा भाई। भाई ये पनीर ग्रेवी है, स्मोक पनीर ग्रेवी ऐसा है, लेकिन क्या ये है? स्मोक पनीर ग्रेवी। और ये तो सब्जी जैसा ही लग रहा है मेरे को। ये बड़े बड़े पीस है भाई पनीर के। अच्छा है, लेकिन तेल बहुत ज्यादा है। तेल या फिर बटर, आप बटर तो मेरे को नहीं लगता, अगर ठंडा होता तो बटर जम भी जाता है ना, ये जमा नहीं, मतलब तेल ही है। इसके सामने मैं अपनी पहली सब्जी निकालता हूँ, पनीर बटर मसाला। अरे हाँ भाई, ये देखो भाई, ये रहा अपना पनीर। भाई ये लोग इतना तेल क्यों डालते हैं भाई, वही दिखता तो सेम है बिल्कुल एक दूसरे जैसा, लेकिन इसका नाम पनीर बटर मसाला है, उसका नाम भाई वो स्मोक पनीर ग्रेवी ऐसा है। ये देखो भाई, इसमें भी पनीर के पीसीस है, लेकिन उतने बड़े नहीं है जितने भाई हुक्को वाले पार्सल में। हाँ। आज है ना थोड़ा, देखो हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं क्योंकि इतनी सारी चीज है ना हमारे पास। और भाई विश्व ने बोला था कि भाई एक एक करके लाएंगे, मैंने बोला नहीं सब साथ में रखो तो सबको देखने में मजा आएगा, ज्यादा चीजें ऐसे इधर पड़ी होगी तो भाई ये थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं बीच बीच में। भाई ये है वेजिटेबल की सब्जी, इसका नाम है सब्ज, वेज सब्ज मटका ऐसा कुछ है। हाँ तो भाई ये मतलब मिक्स वेजिटेबल ऐसा समझ लो। और उसके सामने हमारे पास है मिक्स वेज। भाई तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। हाँ लेकिन ये ज्यादा पीला है भाई, सही है। इसमें देखो मटर है, फिर फंडसी को क्या बोलते हैं, इसमें भी वही है सब, गाजर वाजर, गाजर इसमें भी गाजर है, गाजर है छोटे छोटे टुकड़े। भाई सिर्फ ग्रेवी में डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन दिख ये मेरे को दोनों सब्जी अच्छी रही है। हाँ वही, वैसे तेल तो भाई भर भर के ये दोनों पनीर वाली में और इसमें सब में डाला है। रुक भाई, कितना सारा रोटी का तामझाम भाई इसमें। ए साले क्या कर रहा है तू, इसमें दिया है टोटल 2 रोटी, तंदूरी बटर रोटी और फिर ये बटर नान। तू कैसे पकड़ता है विशु? हाँ तू दिखा, 2 नान है। हाँ भाई कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो भाई इतने बड़े बड़े 2 नान है। ये एक नान विश्व के पास है और एक मेरे पास, 2 रोटी और ये क्या है, और ये लच्छा पराठा, दो लच्छा पराठा। तो भाई सही टोटल 6 चीज हो गई। और मेरे को दिया है 3 मलाबार पराठा। ओहो अभी उसकी मुंह दिखाई कर लेते हैं। ओ ये थोड़ा नाजुक मामला है विशु। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, ये पराठा के सामने ये सब्जी बहुत ज्यादा है ना। हाँ वही, क्योंकि भाई फिर क्या रहता है कि सब्जी बचेगी और फिर खाने के लिए कुछ ऐसा नहीं होगा रोटी। हाँ वो चीज है, ये देखो भाई ये बहुत छोटी है रोटी तो।
भाई ऐसे कभी है ना रोटी और खाने की चीज़ों को ऐसे हाथ में पकड़ के हैंडल नहीं करनी चाहिए भाई, उसका एक रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन आपको दिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी ऐसे कभी उठा उठा के हम कभी देखते नहीं है। लेकिन आपको आइडिया है, ये देखो तीन मलाबार पराठा ऐसे दिए हैं हमको, बहुत पतले पतले। और भाई भाई इतने में क्या होगा, तीन भाई वो सही है लेकिन पैसे भी कम है ना विश्वा, इसमें ज़्यादा लोग खा सकते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं ये बटर रोटी से, ये एक सब्जी पनीर ग्रेवी वाली। देखो ये बटर रोटी और ये नान और वो सब तो आपको पता है कैसा आएगा भाई, उनका भी वैसा ही होगा, कुछ मतलब अलग तीर नहीं मारा होगा। हाँ तो हम वो सारी की सारी चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन ये ग्रेवी वाली सब्जी देखकर मेरे को आ रहा है मुँह में पानी। ओए भाई अच्छा है, पनीर टेस्ट कर दे के कैसा है, सॉफ्ट है या नहीं है। मस्त है ना भाई, ये पनीर के बहुत बड़े बड़े पीस है इस पे। अच्छा है भाई, इसका पनीर भी अच्छा है, पनीर की क्वालिटी और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अभी टेस्ट करते हैं इसका, इसके पराठे के साथ। भाई हमको खाने में जो मजा आ रहा है ना वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने है ना इधर मम्मी और मेरी बीवी बैठे हैं भाई, भाई उनको कितना मन हो रहा होगा भाई, पेट वेट में दर्द ना हो जाए हमको, मम्मी को भी हो रहा है ना मैं उनके भी मुंह में पानी है भाई, सॉरी आज माफ कर दो हमको, अभी आपको खिलाएंगे, सब खिलाएंगे भाई। अभी हम ट्राई करेंगे मलाबार पराठे के साथ पनीर वाली, पनीर बटर मसाला। यस, अरे जल्दी करना भाई, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। नहीं मजा ना भाई, ये कुछ अलग ही है, टेस्ट ही नहीं है कुछ खास, बहुत फीका फीका सा है ना। और ये जो पराठा है ना भाई, ऐसा मैंने खाया है बाहर भी, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं आता है, और ये बहुत कड़क भी हो गया है। ये जो मैदे की ये रोटी बनती है फिर ये सब कुछ बनता है, लेकिन ये ठंडा हो गया है, लेकिन फिर भी खाने में अच्छा लग रहा है, वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट हाँ, वो एक बात अच्छी है भाई होको की। लेकिन ये बारबेक्यू नेशन का भाई पराठा तो बहुत कड़क हो गया, वो तो है ही है, लेकिन ये सब्जी का कुछ अलग ही टेस्ट ही नहीं है। पनीर अच्छा है इनका, पनीर सॉफ्ट है, लेकिन ग्रेवी का कुछ अलग ही टेस्ट है। अभी टेस्ट करेंगे होको की, क्या सब्ज मटका क्या, हाँ सब्ज मटका वेजिटेबल सब्जी आई मीन भाई, ले यहाँ से और आधा दे मुझे भाई। ये है ना ऐसे शिकार करके ऐसे बोटी बोटी खा रहे ना, ऐसा लग रहा है मेरे को, इतने गंदी तरीके से हम कभी भी नहीं खाते। और ये है भाई दूसरे वाली सब्जी, सब्जी मिक्स वेज भी समझ सकते हैं इसको आप। भाई क्या जबरदस्त टेस्ट में सही है भाई। अभी वैसे हम रोटी के साथ एक और भी चीज खा सकते हैं, दाल मखनी। अपने पास भी है भाई दाल मखनी, आज आपको कैसा लग रहा होगा ना, ये साले बैठे बैठे खा रहे इतना दबा दबा के, और हमको सिर्फ देखना है, खाना कुछ भी नहीं है भाई। ये लच्छा पराठा हम ट्राई करेंगे, चलो भाई लच्छे लच्छेदार वैसे खाएंगे हम दाल मखनी के साथ। आधा दे अभी, अरे साले तो तू पहले से हिसाब से लेना, ये आधा ले आधा दे क्या है। तो मैं पहले ट्राई करूंगा भाई विश्व की दाल मखनी, मतलब ओको की। रुक रुक मुझे टेस्ट कर रहे थे भाई, मैं ना दाल मखनी का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मेरे को थोड़ी कमी पसंद आती है, लेकिन फिर भी भाई बहुत अच्छी है। मेरे को ये खाने के बाद ऐसा लगा कि भाई दाल मखनी अच्छी चीज होती है, है ना भाई। मेन तो ये दोनों सब्जी और ये दाल मखनी सच में और होको की बेस्ट है। और एक बात, ये हमने बटर रोटी ट्राई की, फिर बटर नान ट्राई किए, फिर ये लच्छा पराठा, ये ठंडे हो गए भाई, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि चबाने में कुछ एफर्ट लग रहा है। तो अभी हम ट्राई करेंगे मलाबार पराठे के साथ बारबेक्यू नेशन की दाल मखनी, और देखते हैं भाई वो टक्कर दे पाती है कि नहीं होको की दाल मखनी को। अबे भाई ये सब्जी तो ट्राई की नहीं हमने। ओ एक काम करते भाई, यार देखो मैंने बोला ना इतनी सारी चीज है ना, हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई नहीं, अभी दाल मखनी उसके बाद वो साथ में साथ में। इनकी भी अच्छी है भाई, लेकिन देखो मसाले वाली ये ज्यादा लग रही है, और थोड़ा मसाला नहीं जो फ्लेवर बोलते हैं ना, मैं इसके साथ ट्राई करूंगा तो ज्यादा कंपेयर कर पाऊंगा अच्छे से। वो बेस्ट है भाई। नहीं भाई ये अच्छी है, होको की दाल मखनी
अच्छी है। अब ट्राई करते हैं भाई ये वेजिटेबल वाली सब्जी। हाँ, मिक्स वेज इसका नाम है, बारबेक्यू नेशन की। ऐसा बोल कर तू कर भाई कंफ्यूज हो जाएंगे सब, हम खा रहे फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बार ये फिर से टेस्ट कर, मैं भूल गया। अबे भाई ये ना थोड़ी लाइट लाइट सी लग रही है, अभी ये टेस्ट करते हैं। तेरे साथ मुझे भी करना पड़ रहा है भाई ट्राई। भाई इसका तो कोई जवाब नहीं, यही बेस्ट है भाई। सब्जी के मामले में मेन कोर्स में हुक्को की टक्कर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं, बारबेक्यू नेशन नहीं दे सकता। तू साले किधर अल्टीमेट पर पहुंच जाता है। वैसे दाल मखनी भी है भाई, ये अपने हुक्को की अच्छी है, फिर दोनों सब्जी और रोटियां बोटियां की क्वालिटी भी। और क्या रोटियां रोटियां बोटियां रोटी तो दिख रही है, बोटी किधर है? साले हम प्योर वेज है, ब्राह्मण, हम बोटी वोटी नहीं खाते। लेकिन भाई इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, देखो रोटी ज्यादा दी है। और वैसे पकड़ पकड़ के मत करना, मेरे को बाद में खाना भी है उसको। अरे हाँ भाई, लेकिन चलो अच्छा है, अभी सैलेड ट्राई करना है कि नहीं? अरे हाँ, देखा क्या क्या दिया है सैलेड में भाई। सैलेड में ना ओ सिरके वाली प्याज, सिरके वाली प्याज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और भाई मेरे को सैलेड के नाम पर दिया है ये देखो भाई, गाजर ऐसे कट करके दिए और उसके साथ में ककड़ी, बस खत्म भाई, गाजर और ककड़ी। ये देख दूसरी चीज। भाई ये इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ये सैलेड ही है लेकिन वो अचार वाला होता है ना। वेजिटेबल वो है ये, उसको भाई टेस्ट नहीं करेंगे, वो समझ में आता है कैसा होता है। और अलग से ये वाली प्याज भी दी है भाई, मतलब ऑनियन वो रिंग वाली काटते हैं ना वो। तो भाई ये बारबेक्यू नेशन का वो ही रहता है कि स्टार्टर में सबको खुश कर दो और सबका पेट भरवा दो, तो भाई मेन कोर्स तक तो भाई बहुत कम लोग पहुंचते हैं। और जो पहुंचते हैं वो टेस्ट के हिसाब से फिर मेरे को नहीं लगता आगे ज्यादा खा पाते होंगे वो ही, क्योंकि भाई इनका है ना आला कार्टे होता है, जहां तक मेरे को पता है हुक्को में नहीं होता ना, अनलिमिटेड वाला मामला नहीं होता है, नहीं होता। हाँ, तो और इनका भाई क्या होता है कि फिक्स एक अमाउंट होती है, वो आप दे दो उनको और फिर बिंदास पूरी रेस्टोरेंट में घूम के जो दिखता है वो कुछ भी खा लो। हाँ बस। हाँ, अगर वेज के पैसे दिए तो वेज, नॉन वेज के पैसे दिए तो नॉन वेज, लेकिन हम तो वेज। तो अभी बारी है बिरयानी की, तो मेरे पास है ये हुक्को की बिरयानी। भाई इसका आगे कुछ नाम ऐसा नहीं है, सिर्फ बिरयानी लिखा था। क्वांटिटी भी भाई अच्छी खासी दिख रही है, क्योंकि मेरे जितने भी डब्बे बचे ना अभी सब इससे तो छोटे ही है भाई। ये बिरयानी सही है और इसके साथ मेन भाई ये रायता। ओ भाई साहब, ये रायते में भी बहुत सारी चीजें डाली है ना। वही भाई, तो अभी बारी है अपन की बिरयानी की। मेरे पास है वेज दम बिरयानी भाई। ये तो ऊपर क्या है, वो ऊपर सफेद चावल है, उसके नीचे येलो चावल है और उसके नीचे वो दम लगाया हुआ ग्रेवी होगा अंदर, इसमें भी यही है। और भाई आप लोग ऐसा भाई कमेंट मत कर देना कि बिरयानी कभी वेज नहीं होती, गुजरात में आओ कभी, आपको गली गली में वेज बिरयानी दिखाऊंगा। हाँ भाई, गली गली हर रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी ही मिलेगी आपको। तो ऐसा भाई कोई रूल नहीं है कि ये चीज़ ऐसी नहीं होती, वेज चीज़ वैसी नहीं होती भाई। इधर वेज ऑमलेट भी खिलाऊंगा आपको, वेज बिरयानी भी खिलाऊंगा, वेज कबाब भी खिलाएंगे, और आज ही हमने खाए। मैं आपको बोलो, आवाज़ करो, क्या चाहिए भाई, सब कुछ वेज में इधर होता है। तो भाई ये वेज दम बिरयानी और इसके साथ में भाई मेरे पास एडवांटेज है, मेरे को दिया है ये सालन। सालन सालन क्या बोलते हैं भाई सालन, ये क्या होता है? ये ग्रेवी जैसा होता है जिसको भाई बिरयानी के साथ हम खा सकते हैं। और ये आपको दिखाता हूँ कि कैसा, ये देखो भाई, ये ऐसी थिक ग्रेवी है ये। अच्छा, तो और इसके अंदर ये कुछ वेजिटेबल भी है, मिर्ची विर्ची है, पता नहीं क्या है, लेकिन भाई इसको बिरयानी के साथ खाया जाता है, वो मैंने अभी अभी इंटरनेट पर चेक किया। तो भाई सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे, ये वाली बिरयानी हल्का सा ग्रेवी जैसा है लेकिन बिल्कुल लिक्विड वाला कुछ भी नहीं है। ओ भाई साहब, भाई बहुत मस्त है, अच्छी अच्छी है। और उसके ऊपर थोड़ा सा रायता। अरे रुक, तो मैं भी ये ट्राई करता हूँ। गिराना गिराना मत, गिराना मत, जल्दी का। रायता भी मस्त है और बिरयानी भी बहुत मस्त है। तो अभी भारी है बारबेक्यू नेशन की वेज दम बिरयानी की। डिब्बा काम करते हैं, उसको कटोरे में निकालते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ग्रेवी डाल के खाते हैं। अरे नहीं, पहले ऐसे तो खा, ऐसे खानी है। नीचे ग्रेवी दिख रही है देख तो। हाँ भाई सही है ये बिरयानी दिखने में। इसमें तो ये भी अच्छी है, लेकिन भाई इसमें ना वो एक टेस्ट आ रहा है वो लॉन्ग का। हाँ वो बहुत आ रहा है, इलायची इलायची। तो भाई बिरयानी में इलायची होती है। अबे होती है, लेकिन सिर्फ उसका ही टेस्ट नहीं आना चाहिए, बिरयानी में और भी मसाले होते हैं। लेकिन ये उसका वो बोलते हैं ना, इसकी एसेंस होती है ना, वो इलायची इसमें आनी चाहिए, आनी चाहिए। बिरयानी में वैसा होता है,
जैसे पनीर टिक्का में पनीर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए वैसे। पनीर होता है लेकिन सिर्फ उसका टेस्ट नहीं आया। तू भाई चुप रहे, तू सब गिराएगा, साले बिगाड़ेगा, मेरे को खाना भी है। तो अभी इसके अंदर हम ये सलान डाल के टेस्ट करते हैं। सलान, सालान, सालेन, ये कौन सा नया वर्ड ढूंढा भाई, पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं। सालन, सालन, देखो भाई आलन पालन सालन, भाई मेरे को माफ करना, जो भाई रेगुलर खाते होगे उनकी अगर भावना हर्ट होती हो तो मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। इसके साथ कैसा लग रहा है? अरे बहुत मस्त। इसके साथ अच्छा लग रहा है भाई, ये टाई है भाई। आज इतना सारा हम लेकर आए ना कि भाई इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना हमको। हाँ। शूट करने में भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे करे क्या करे। पहले तो ऐसा था कि आपको पास में अच्छे अच्छे से दिखाएंगे, लेकिन भाई वो करते ना तो ये वीडियो कितनी लंबी हो देख लो, वो करते तो और भी लंबी हो जाती। तो अभी बारी है मुंह मीठा करने की, यानी कि डेजर्ट की बारी। हाँ, मैंने बोला मुंह किस बात का मीठा करना है। तो भाई मेरे पास है हुक्को का ये डेजर्ट। गुलाब जामुन भाई, कितने सारे भाई, सच में भाई मेरा तो दिल खुश। अभी मैं घुमा इसलिए रहा हूँ कि कौन से एंगल से अच्छा दिखेगा, आइडिया नहीं है, लेकिन आप देख लो भाई गुलाब जामुन ही जामुन, और वो भी ऐसे नहीं है कि भाई छोटे छोटे, वे प्रॉपर जो साइज का प्रॉपर ऐसे गोले गोले। और भाई अभी बारी है मेरे यहाँ के गुलाब जामुन चेक करने की। सुन, हंसना नहीं है, इसका नाम अलग है, गुलाब जामुन नहीं है ये। क्या अंगूरी? ये अंगूरी गुलाब जामुन है। तो भाई ये ऐसे छोटे छोटे दिखाता हूँ। अबे रुक, मैं ही खा जाऊंगा ये, देखो। और रुक एक मिनट, साइज में भाई बहुत डिफरेंस है, ये देखो। ये इसका बच्चा है भाई, ये गुलाब जामुन। कितने दिए पता है? एक तूने लिया ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ आठ। और मेरे पास कितने है भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह गुलाब जामुन। हुक्को का गुलाब जामुन टेस्ट करते हैं। मस्त है, अंदर पूरा मावेदार है, खोया खोया का टेस्ट आता है, मतलब अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अब टेस्ट करते हैं ये अंगूरी गुलाब जामुन बारबेक्यू नेशन का। भाई फर्क बहुत है क्वालिटी में। इसमें भाई ऐसा लगता है कि आप महंगा वाला गुलाब जामुन खा रहे हो। हाँ, सही में। बस खत्म? हाँ खत्म भाई, ये इतने सारे तो है, अभी और कितना खाएगा तू? अरे तू देख अभी और क्या है। मेरे पास है मूंग दाल का हलवा। अबे ये कहाँ से आ गया? भाई ये मेरे को बहुत पसंद है भाई, मुझे लगा कि यहीं पर ही स्टोरी खत्म हो जाएगी। भाई ये लोग है ना वैरायटी बहुत ज्यादा देते हैं बारबेक्यू नेशन वाले। अच्छा अच्छा है, अभी तेरे पास कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो फिर अच्छा ही है। इसके अंदर क्या है? सब मिलेगा, जो दिखा भाई। मेरे पास तीन तीन डेजर्ट है। ओ ब्राउनी, ब्राउनी विथ क्या होता है? ब्राउनी विथ आइसक्रीम होता है। तो भाई अभी तू मार सिक्सर तेरी वाली। भाई देखो गुलाब जामुन तो है ही, लेकिन ये हुक्को का एक बड़ा डिब्बा है, और वो भी 750 ml का आइसक्रीम का डिब्बा। हाँ भाई आइसक्रीम का डिब्बा, और इसका फ्लेवर है नटी बेल्जियम डार्क चॉकलेट आइसक्रीम। भाई ये उनके मेन्यू में और वो सारी, सॉरी मेन्यू में नहीं, मतलब वो ये मील बॉक्स आता है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में भाई जो जो आइटम लिखी थी ना उसमें ये नहीं दिखा था, लेकिन भाई ये बेच दिया उन्होंने। हाँ, जब मैं ऐड कर रहा था ये बॉक्स तो ऑप्शन आया कि भाई आपको कुल्फी वाला चाहिए फ्लेवर की, फिर ये चाहिए। और भाई इसकी MRP है 300 rupees। हाँ, तो भाई 2600 में से 300 rupees का माल तो इधर ही है। तो अभी टेस्ट करते हैं भाई, आइसक्रीम नहीं टेस्ट करेंगे, वो सबको पता है कैसा नहीं आता करना है। नहीं अबे आइसक्रीम बाद में बेच भी सकते हैं, 300 rupees का सवाल है। चलो अभी ब्राउनी टेस्ट करते हैं। नीचे विश्व दूसरा भी एक लेयर है, देख भाई ये पूरी की पूरी ऐसे ऊपर से नीचे तक ब्राउनी है। बहुत ड्राई लग रही है। ड्राई लग रही है भाई, ब्राउनी को आइसक्रीम के साथ ही खाना अच्छा लगता है। तो बस भाई ये थी हमारी आज की बिगेस्ट मील बॉक्स चैलेंज। तो भाई हमको दोनों के अंदर भाई टेस्ट में भाई हुक्को वाला बेस्ट लगा, लेकिन अगर आप थोड़ा टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है तो भाई आपको सस्ता ये पड़ेगा बारबेक्यू नेशन वाला। लेकिन टेस्ट में ही नहीं मजा है तो फिर खाने में क्या अच्छा लगेगा? इसमें टेस्ट में क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है पता है? जो मेन सब्जी होती है ना, बस उसके साथ।
तो भाई लेकिन इतना भी ऐसा घटिया का घटिया बिल्कुल नहीं है कि आप खा ही नहीं सकते, वैसा नहीं है। मैं चूज करता हूँ ना तो ये हुको को करता हूँ, बिकॉज पर्सनली भाई मुझे इनका खाना बहुत प्रीमियम लगा, क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी और बहुत अच्छा लगा। अगर आपका जेब ज्यादा गहरा है, मतलब जेब ज्यादा गहरी होगी ना, पैसे वैसे ज्यादा होंगे, तो भाई आप ये ट्राई कर सकते हो। ट्राई क्या, बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा, लेकिन भाई हम इसको रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप एक बजट लेकर चलते हो कि नहीं भाई बहुत ज्यादा भी आलतू फालतू का नहीं खर्चना है, और अगर आपको कम पैसों में ज्यादा मजा लेना है, तो भाई ये मेरे को रेकमेंड करने का लगता है। ये है, तू कुछ भी बोल, लेकिन भाई मैं तो हुक्को के साथ ही जाऊंगा, भले ही धोखा किया इन्होंने हमारे साथ। हाँ साले हुक्को, सॉरी साले नहीं भाई, केस वेस पर टोक देना, लेकिन भाई जो है सच वो बता दिया। भाई आपका स्टाफ ऐसा कांड करते है तो हम क्या करें, कि भाई बॉक्स बोल के थैली में बेचते है, तो आप सुधारो। हमने तो ब्रांच भी बता दी, सायजीगंज वडोदरा। हाँ वडोदरा गुजरात। हाँ वो बंदे का नाम मैं भूल गया, महेश, शायद महेश भाई। हाँ भाई, तो आप उनको पूछो कि ऐसा क्यों किया कस्टमर के साथ। अगर बॉक्स नहीं था तो भाई आप कॉल करके बोल सकते थे कि हाँ कि नहीं है हमारे पास, हम तो हम और कोई ब्रांच से ट्राई करते। वही, लेकिन भाई ये गलत किया आपने, पैसे लिए और मजा पूरा नहीं दिया। वही, जितना जितना देना चाहिए उतना उतना दिया नहीं। तो बस भाई आज की चैलेंज यही पर खत्म। आपको वीडियो कैसी लगी वो कॉमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। और आप सभी ने आज तक कौन सा मेल बॉक्स ट्राई किया है ऐसा, और कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी नीचे बता रहा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।